नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तराखंड के रुड़की में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सफाई मजदूरों ने आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का आरोप है कि वो पिछले 10 सालों से नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में ठेका प्रथा पर मात्र 4000 रुपए में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको संविदा या स्थायी नहीं किया गया, जिससे सफाई कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नितिन खंडेलवाल का कहना है कि मजदूरों की उचित मांगों को लेकर शासन को अवगत कराया जाएगा और प्रशासन उनकी पूरी मदद करने का प्रयास करेगा। सफाई कर्मचारी डेली वेजेस लेबरर्स पे हैं, 130 रुपए प्रति दिन का उनका वेतन है। उनकी मेन रिक्वेस्ट ये है कि उनको संविदा में रख लिया जाए नगर निगम में, और उनको 2 साल से सफाई किट नहीं मिला है। ये बिना सफाई किट के काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है, तो उनकी भी रिक्वेस्ट है। तो ये ज्ञापन लेके गए हैं जो मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी को है। हमारे माध्यम से हम उच्च स्तर पे जहाँ भी जो भी होगा संबंधित होंगे उनको भेजने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभ्युदय संस्था ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के उत्थान को लेकर देवभूमि ऋषिकेश से की नई शुरुआत। संस्था की संयोजक निधि उनियाल डंडवाल ने बताया कि कार्यक्रम में 3000 बच्चों ने बेहद उत्साह के साथ सहभागिता करते हुए न सिर्फ 7000 स्लोगन लिखे और गंगा को प्रदूषण रहित बनाने की शपथ भी ली। और आज जो गंगा नदी की हालत है और लगभग सारी नदियाँ देश का, तो हम बच्चों के माध्यम से स्लोगन लिखवा के पूरे ऋषिकेश में इन स्लोगन्स को लगाएंगे और लोगों को मैसेज देंगे कि पानी का रख रखाव और पानी को पॉल्यूट ना करें। उत्तराखंड देहरादून स्थित पैसिफिक माल द्वारा पैसिफिक दून बुक बैंक अभियान की शुरुआत की गई, जो अगले 15 दिन तक चलेगा, जिसमें दून वासी बच्चों की पुरानी किताबें अभियान में दी जाएंगी, जिससे गरीब बच्चों को किताबें मिल सकें। अभियान में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कार्य की जमकर सराहना की। होना चालू हो गया है विद्यालय शिक्षा के सहयोग के लिए। पैसिफिक मॉल के जो अधिकारियों ने और सहयोगियों ने और इसके मालिक हैं, उन लोगों ने लगभग 5-5.5 लाख किताबों का एक संग्रह करने का लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की है, और हमारे हमको सपोर्ट करने का और दुर्गम क्षेत्रों में जाके उन्हें विद्यालयों में वहीं जाके लाइब्रेरी बनाने का जो संकल्प लिया है, उन्होंने हमारे प्रयासों को हमारा हौसला बढ़ाया है। इसके लिए पैसिफिक मॉल के अधिकारी और इनके मालिक का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा में हमारी बुनियाद की ईंट बनके उन्होंने हमारे ईंट थपथपाई है, और उनकी इस हौसला अफजाई से हम लोग का हौसला बढ़ेगा और हम विद्यालय शिक्षा में और अच्छा काम करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के ऊर्जा विभाग को लंबित बिजली कनेक्शन की रिपोर्ट नहीं देने के मामले पर आयोग ने ऊर्जा विभाग को इस मामले पर 14 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक लंबित कनेक्शन और जुर्माना निर्धारण की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन ऊर्जा विभाग ने ये रिपोर्ट नहीं सौंपी। वहीं कई उपभोक्ताओं को कई महीनों तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ऊर्जा विभाग को फटकार लगाने के साथ ही 14 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। हर महीने जितने भी बिजली कनेक्शन के नए लेने वाले हैं, उनका एक रिपोर्ट आती है हमारे पास कि कनेक्शन इतने ने अप्लाई किया, इतने को हमने टाइम से दे दिया, इतने को टाइम से नहीं दे पाया, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको 30 दिन में इनको कनेक्शन मिल जाए। तो ये नहीं हुआ तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है लगभग 14 करोड़ के करीब का जो है इनको फाइन लग गया है। देख रही है क्राइम स्टोरी।